हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ यूनिट 3। उस क्वेश्चन में जो पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को हमने क्या किया है, बस उस क्वेश्चन का एक पार्ट है कि ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको राइज एंड फॉल समझ में आ गया था? राइज एंड फॉल एक मेथड है, आपको क्वेश्चन वहीं तक पूछेगा एग्जाम में, या फिर क्या हो सकता है, क्वेश्चन को एक्सटेंड कर सकता है। अगर एक्सटेंड करेगा तो ग्रेडियंट एक जस्ट डिफरेंट पार्ट है क्वेश्चन का, इसलिए मैंने उसको एक अलग क्वेश्चन में क्रिएट किया है। ग्रेडियंट क्या है आपका? कहीं ना कहीं इस चीज को देखिए, क्वेश्चन के वैल्यू सेम है। कौन कौन सी वैल्यू बी एस थी, कौन सी एफ एस थी, आपको पता है। फर्स्ट बी एस 4 वाला जो पॉइंट था वो एफ एस था, उसके बाद वाला पॉइंट जो है वो बी एस था, उसके लास्ट वाला पॉइंट फिर ठीक मीन्स यहाँ से ये लास्ट पॉइंट था, इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ, उसके बाद ये जो लास्ट वाला पॉइंट है वो तो एफ एस ही रहेगा। आपका बी एम दिया हुआ था, यहाँ पे ग्रेडियंट जब भी आप निकालोगे तभी आपको इंटरवल दिया रहेगा कि भाई कितने अंतराल में आपने ये जो आपको लाइंस दिख रही है ये कहीं ना कहीं सेटअप है। लाइंस क्या है आपकी? लेवलिंग स्टाफ है। ये जो लाइन दिख रही है लेवलिंग स्टाफ है। जो स्केल होती है ना अपनी, उसको अपन लोग ऐसे फिक्स किए हैं, पर एक सर्टेन इंटरवल में फिक्स करते हैं कि अपनी मर्जी से तो कहीं पे भी नहीं रख देते होंगे। तो इन्होंने बोला है कि मैं 20 मीटर के अंतराल में, कॉमन इंटरवल में इन्होंने स्केल को रखा हुआ है नापने के लिए। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, ये डंपी लेवल है, ठीक है। डंपी लेवल से हम लोग टेलीस्कोप से देख रहे हैं। क्या लिखा है सेकंड, और क्या दिया है? कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस स्लोपिंग ग्राउंड। स्लोपिंग ग्राउंड मीन्स स्लोप मीन्स ढलान। कंटिन्यूअस ढलान वाले ग्राउंड पे आपकी रीडिंग चल रही है, जो कि 20 मीटर के अंतराल में ली गई है, 20-20 मीटर के अंतराल में ली गई है। अब आपको क्या करना है, ग्रेडियंट निकालना है फर्स्ट और लास्ट पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट ये रहा, लास्ट पॉइंट ये रहा। व्हाट इज ग्रेडियंट? ग्रेडियंट इज नथिंग बट ये एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू को मैं बोलूंगी ग्रेडियंट। आपको ये निकालना है। अब ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये तो स्लोप ऐसा आड़ा तिरछा है, मैं क्या करूंगी आपको सबसे पहले एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाती हूँ, प्रैक्टिकली कैसे लिखा जाता है इस क्वेश्चन को। अगर मैं लिखूँ इंस्ट्रूमेंट पहले फर्स्ट पोजिशन यहाँ पे था, तो मेरी पहली रीडिंग मैं जो लूंगी इस जगह से वो मेरी बी एस हो गई। देखो मैंने लिखा है बी एस, ये जो मैंने बी एस के अलावा जितनी रीडिंग है एफ एस मार्क नहीं किया, वो सारी क्या है? आई एस है। आई एस आई एस आई एस आई एस 20 मीटर के अंतराल में ली गई है। उसके बाद जो आखिरी रीडिंग आपको दिख रही होगी एफ एस की, वो मैंने ली, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, ये रीडिंग लेने के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये शिफ्ट हो गया मेरा यहाँ पे। अगर मेरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, वापस से मैं एक नया रीडिंग लूंगी जो कि ये था, वो बी एस है। फिर क्या लूंगी, आई एस आई एस आई एस आई एस और लास्ट वाला एफ एस। इस लाइन पे देखो जहां आपकी लास्ट रीडिंग थी उसी स्टाफ पे इंस्ट्रूमेंट चेंज करके मैं अपनी पहली रीडिंग लूंगी। यही रीजन है कि आपका लास्ट रीडिंग और फर्स्ट रीडिंग जो इंस्ट्रूमेंट चेंज करने के बाद टेबल पे हम साथ में लिखते हैं, ठीक है। रीडिंग्स ऐसे ही ली जाती है प्रैक्टिकली, इसीलिए आपको क्या होगा, इन दोनों रीडिंग्स को आप साथ में एक साथ टेबल पे लिखोगे। अब आपको डिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस है, ये रहा आपको 20 मीटर का डिस्टेंस है, और कितना आपकी रीडिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरे 8 ड्यूरेशंस हैं जिसमें मेरे 20-20 मीटर की डिफरेंस है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा एच क्या हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा मेरा 20 × 2, मैंने लिखा हुआ डिस्टेंस। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है राइज अपॉन रन। राइज मीन्स चढ़ना, रन मीन्स दौड़ना। हम ऐसे ऐसे ऊपर नहीं दौड़ते हैं, हम कैसे दौड़ते हैं, नीचे। तो मैं किस पे दौड़ूंगी, एच पे दौड़ूंगी। रन राइज मीन्स चढ़ना, चढ़ोगे किस में, वी पे चढ़ोगे। वी क्या है आपका, लास्ट आर एन माइनस फर्स्ट आर एन। मीन्स आपका ये जो डिफरेंस है, ये जो इतना वैल्यू दिख रहा है आपका, लास्ट जितना आर एल आएगा उसमें से जब पहला आर एल माइनस करोगे तो मेरा वी वाला पॉइंट निकलेगा। क्या मतलब है, लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, जो वैल्यू मेरी आई थी उस वैल्यू को मैंने लिख दिया जो पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व करने के बाद आई थी। लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल, सारे पॉइंट्स के आर एल निकाले थे हम लोग, चेक में भी लिखा था। तो कितनी आई थी वैल्यू मेरी, -8.160। डिस्टेंस मेरी क्या है, ये है। मेरा ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ग्रेडियंट कैसे फाइंड आउट होगा, ये मेरा वी अपॉन एच। अच्छा, वी जब लिखोगे तब कभी भी वैल्यू नेगेटिव में भी आए डोंट कंसिडर इट एज अ नेगेटिव। आप क्या करोगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करोगे और नीचे लिखोगे 20 × 8। आपका हो गया कहीं ना कहीं फाइनली सॉल्व। आप क्या बोल सकते हो कि अब आपका
वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसको आप पॉइंट्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, इसको आप क्या करोगे, जितना भी वैल्यू पे कन्वर्ट करो, बट मेक श्योर कि आप इसको वन इन समथिंग एक्स वाई जेड जो भी आएगा वन इन में लिखोगे। वन इन क्यों लिखते हैं ग्रेडियंट को, बिकॉज हम कभी भी मेंशन करते हैं तो मैं स्लोप पे ये मेंशन नहीं कर सकती भाई कि कितना ग्रेडियंट आएगा। अगर मैं आगे भी ले जाऊं अपनी डिस्टेंसेस को और रीडिंग्स और इंक्रीज कर दूं, तो मेरा क्या होगा, ग्रेडियंट कहीं ना कहीं और डाउन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने तो इस हिसाब से लिया है, इतने ड्यूरेशन के हिसाब से लिया है। तो मैं क्या करती हूँ, एक के हिसाब से लेती हूँ, मीन्स ग्रेडियंट जितना भी मेरा निकलेगा उसको मैं वन इन के हिसाब से लिखूंगी कि मेरा एक में ग्रेडियंट इतना तो बाकी सब में कितना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर वन इन का ग्रेडियंट निकालूंगी इंटू जितना भी डिस्टेंस हो जाए उसको मैं बाद में लिख सकती हूँ। इसलिए आपको क्या करना है, ग्रेडियंट को हमेशा वन इन में लिखते हैं। अगर मैं इसको वन इन में कन्वर्ट करूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 19.61, वन इन 19.61। और कैसा है ये, कंटिन्यूअसली स्लोपिंग ग्राउंड है, तो मैं क्या बोलूंगी कि भाई ये नीचे गिर रहा है। कहीं ना कहीं आपका जो भी वैल्यू है यहाँ पे भी नेगेटिव में था, तो मैं क्या बोलूंगी, वन इन 19 जो है वो फॉलिंग है, आपका स्लोप नीचे की तरफ जा रहा है, आपका स्टीप स्लोप नहीं है, आपका स्लोप कैसे जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। देखो ये ध्यान से देखो, ये नीचे की तरफ ऐसा ग्रेडियंट हमको चाहिए था, ये ब्लू वाला जो लाइन है ये अपना ग्रेडियंट था, ये अपने को चाहिए था। तो ये कैसे निकलेगा, जितना भी निकलेगा उसको वन इन में लिखना है, और फॉलिंग मीन्स डाउन जा रहा है, या नेगेटिव साइन से भी आपको समझ में आ रहा है कि वो डाउन जा रहा है। ठीक है, अब क्या है आपका, ये अगर वन इन में निकला तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने इसमें इतना ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है इस वाले ग्राउंड के लिए, तो हर किसी को समझ में आएगा कि भाई इसमें अगर और डिस्टेंसेस बढ़ाऊंगी तो मैं एक में इतना ग्रेडियंट लगाई हूँ, तो आगे जितने डिस्टेंसेस बढ़ाऊंगी उसमें उतना ग्रेडियंट लगाऊंगी। ठीक है, ग्रेडियंट हो गया। अब आपकी बात आती है व्हाट इज बी एस आई एस एफ एस। बी एस पहली रीडिंग, एफ एस आखिरी रीडिंग। बी एस को बैक साइड बोलते हैं, एफ एस को फोर साइड बोलते हैं, आई एस को इंटरमीडिएट साइड बोलते हैं। ठीक है, नोट्स में आपको दिया हुआ है, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 7 में इसका पूरा डायग्राम दिया हुआ है, चाहो तो कलर डायग्राम देख सकते हो। अच्छा, व्हाट इज बेंचमार्क एंड आरएल। जैसे मैंने हाइट का कॉन्सेप्ट बताया भाई, एक रेफरेंस पॉइंट लेके सॉल्व करते हैं अपन, वैसे ही हर एरिया का, हर एक जगह का एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे कि अगर आप कहीं पे भी रहते हैं उस पर्टिकुलर एरिया का एक रेफरेंस पॉइंट होगा। हर कोई क्या करता है, अपने एरिया का एक रेफरेंस पॉइंट रखता है। किसके रेफरेंस में, जैसे अगर सपोज हमारे एरिया का कोई भी रेफरेंस पॉइंट है तो उसको मैं कैसे अपना रेफरेंस मान सकती हूँ, उस पॉइंट को मैंने क्यों रेफरेंस बनाया, क्योंकि आपका एक टर्म है MSL, दैट इज मीन सी लेवल, समुद्र तट के ऊपर। समुद्र तट के ऊपर हमारा रायपुर जो है वो जो लेवल है वो कहाँ पर ठहरता है। सपोज ये मेरा सी लेवल है, और मेरा सी लेवल का, सपोज ये मेरा सी लेवल है, समुद्र का लेवल है, इससे मेरा रायपुर सपोज इस जगह पर ठहरता है, आपका भिलाई इस जगह पर ठहरता होगा, राजनांदगांव इस जगह पर ठहरता होगा, पर मेरा रायपुर कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस मीन इस हाइट से लेके मेरा ये जो हाइट का डिस्टेंस है, इतना जो हाइट है रायपुर का, ये हाइट मेरा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मुझे बताता है कि मेरा रायपुर का, रायपुर वाले एरिया का बेंचमार्क या फिर रिड्यूस लेवल जो है वो हो जाएगा, जितना भी मैं लूंगी मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल को रेफरेंस मान के मैं रायपुर का एक हाइट फिक्स कर देती हूँ, वो क्या हो गया मेरा बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क हो गया, या फिर रिड्यूस लेवल बोल सकते हो, जिस लेवल के रेफरेंस में हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब जरूरी नहीं है रायपुर का, भिलाई का, राजनांदगांव का, दुर्ग का, सबका सेम होगा, क्यों, क्योंकि सबका एरिया अलग अलग है, तो अपने हिसाब से ये लिखा रहता है। अब मीन सी लेवल आपका हर कोई एक ही लेता है, हमारे इंडिया में जो मीन सी लेवल कंसिडर करते हैं उस हिसाब से अपन फॉलो करते हैं। अब बाहर भी जो मीन सी लेवल सब फॉलो करते हैं उस हिसाब से अपने मीन सी लेवल तो सभी सेम फॉलो करते हैं, कहने की बात क्या है, मीन सी लेवल से सब अपना अपना एरिया अलग अलग डिफाइन करते हैं कि सबके एरिया का रिड्यूस लेवल क्या है, आरएल जिसको बोलते हैं, आरएल जो है रिड्यूस लेवल वो क्या है। रिड्यूस लेवल अगर समझ में आ गया सबको कि मेरे एरिया का आरएल इतना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसको अपना रेफरेंस पॉइंट मान के अपना एलिवेशन करती हूँ। ठीक है, इस एरिया का रिड्यूस लेवल मुझे पता है तो उसके हिसाब से मैं एलिवेशन आगे। अच्छा, रिड्यूस लेवल को बेंचमार्क क्यों बोलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन होगा। बेंचमार्क इसलिए बोला जाता है रिड्यूस लेवल को, क्योंकि बेंचमार्क एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं एक स्टैंडर्ड मानती हूँ,
आपके क्लास में कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट आता है तो मैं क्या कहती हूँ, उसने एक बेंचमार्क, एक एक लेवल सेट किया है अपने लिए, अब आपको उससे ज़्यादा लाना पड़ेगा फर्स्ट आने के लिए। तो उसने क्या किया, एक बेंचमार्क फिक्स किया अपने हिसाब से पूरे क्लास वालों के लिए, स्टैंडर्ड फिक्स किया, वैसे ही रिड्यूस लेवल क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स किया आपको इसके हिसाब से, रिड्यूस लेवल के हिसाब से रेफरेंस लेना है, उससे ज़्यादा या इससे कम। इसीलिए इसको जो हम लोग फर्स्ट रीडिंग के लिए आरएल दी जाती है हमको, उसको हम बेंचमार्क बोलते हैं, वो मेरा बेंचमार्क है, वो मेरा स्टैंडर्ड है, उससे मेरे को आगे जाना है या नीचे आना है। अब इसमें कॉम्पिटिशन तो है नहीं क्लास जैसा, तो इसलिए मैं क्या बोलूँगी, रिड्यूस लेवल से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे वो हमको देखना रहता है, पर जो फर्स्ट रीडिंग का रिड्यूस लेवल दिया रहता है उसको मैं बेंचमार्क इसीलिए बोलती हूँ। ठीक है, यही वजह है कि रिड्यूस लेवल ऑफ फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सबका बहुत मिनिमम वेरिएशन रहता है। मतलब कहीं ना कहीं आपकी जमीन बहुत ज्यादा गड्ढे में और बहुत ज्यादा स्टीप स्लोप्स तो होंगे नहीं, थोड़े बहुत ही होंगे, थोड़े बहुत डिफरेंस के लिए, इसीलिए आपका जो लेवल आता है बेंचमार्क का वो बहुत कम कम के डिफरेंस में होता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे टाइप के पॉइंट में डिफरेंस में रहता है, एकदम 10, 20 ऐसे डिफरेंस में नहीं रहता है। यही वजह है क्योंकि आपको उस एरिया का बेंचमार्क पता रहता है, इसीलिए जितना भी आपका आगे जाता जाएगा, कुछ कुछ कम, कुछ कुछ ज्यादा, थोड़ा बहुत स्टीप डाउन स्लोप्स में हर पॉइंट का रिड्यूस लेवल उसके लगभग आसपास आता है जितना आपका बेंचमार्क दिया रहता है क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस वॉज द क्वेश्चन ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको सिंपल पहले एच आई या आर एल मेथड से सॉल्व करना है, उसके बाद ग्रेडियंट के इस फॉर्मूले को लगा के वो तब तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ओके। फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप लोग द स्टूडेंट्स लुक एट हियर, द रीडिंग्स आर गिवन, योर फर्स्ट रीडिंग विल बी बी एस ऑब्वियसली, एंड योर लास्ट रीडिंग विल बी ऑब्वियसली एस एस। Whenever the instrument will be shifted or changes, your last reading will be FS, first reading will be BS. What happens when you are having this type of question? You will definitely giving some of the clue so that you can choose the variation by which the instrument is changes. Here it is given 5 meters. So I can take that 4.6 is the last value as it is nearest to 5. That's why from this point it is very least. From that value, I can assume that from here the instrument is changes. So this reading will be BS and the last one is S. What happens at the next? In this question, I have solved the previous question in rise and fall method. You can check it down. There is nothing to be explained. It's just a table, a steep down motion. You have to subtract that values and put it in a rise column or a fall column. By sign, you can justify that it's value is positive, you have to write in rise, or if its value is negative, you can write it in fall, or likewise you can calculate the RL by adding the rise or by subtracting the fall as well. Every formula is given, you can just need not want or need not require any explanation for that. You just solve that table in your copy, it will be understood. The explanation should be only for the gradient, that is the practical application of this numbers or this readings are written here. The instrument is first placed here, first reading is BS, likewise everything is IS, last is FS, then again instrument changes, first reading is BS, taken in the same scale, that's why in table we are writing these two values in the same column, in same row. Now last reading is FS. What happens, what is BN, what is RL and what is MSL? MSL is mean sea level. Mean sea level is nothing but the a level of a sea by which we can take the reference of some area, and that reference of area is called as benchmark. Every area's reference is represented as benchmark or RL. Benchmark means a standard set for all those other readings. That's why all other readings are somewhat difference in points, like 0.1, 0.2 or 1 meter or 2 meter, like that. Every points are having a small variations in it. Every reading is similar or most closest to that benchmark of that area. So here you are having gradient formula, that is rise upon run. Rise means vertical, run means horizontal. If horizontal value, you have to find the distance. What happens, distance means it's 20 meters of interval, put up the leveling staff. These are the leveling staffs by which we are taking the reading. These lines are called leveling staffs by which we are taking the readings. We have to calculate the distance like this. If I am having 20 meters of interval, I can calculate it like 20 into 8.
नाउ व्हाट इज वी, वी इज द लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल विच आई हैव सॉल्व इन द प्रीवियस क्वेश्चन. द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस वैल्यूज बाय राइज एंड फॉल मेथड. आई हैव टेकन दिस वैल्यू फ्रॉम दैट. नाउ यू हैव टू पुट दिस इन दिस फॉर्मूला. वॉट हैपन्स वेन यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला, यू विल नॉट कंसिडर द साइन ऑफ नेगेटिव. यू विल जस्ट पुट द फॉर्मूला लाइक दिस. वेन एवर यू आर सॉल्विंग दिस, ऑलवेज ट्राई टू पुट द आंसर इन वन अपॉन समथिंग. You can add, subtract, multiply, whatever you want to do, but don't break the rule as well. And calculate the value is like 1 upon this, and it's a steep down motion, continuously sloping ground. That's why I'm writing fall here, or else you can see here it's a negative sign, that also we can show that it's a fall, right? Now what happens? Whenever you are writing 1 upon like this, that means you are calculating the whole slope as in for 1, so that you can multiply it with further whatever distances you want. That's why we are calculating it for the 1 only, right? Now anything else left? No. स्टूडेंट्स, जो भी आपका मीन सी लेवल है वो आपके देखना स्टेशन पे लिखा रहता है, बोर्ड पे, जंक्शन के बोर्ड पे, लाइक रायपुर जंक्शन मीन सी लेवल लाइक दिस, दुर्ग जंक्शन, बिलाई जंक्शन मीन सी लेवल, समुद्र तट के ऊपर वो जो मीन सी लेवल है, दैट इज रिटन देयर. ओके, थैंक यू क्लास.